जैसे कि आज हम आपको जॉइंट पेन की समस्या में डॉक्टर के द्वारा जो सिरप पीने के लिए दिया जाता है उसके बारे में आज हम, आज हम आपको जानकारी देंगे जैसे कि ल, इस सिरप का उपयोग कमर के दर्द में किया जाता है कमर का दर्द किसी भी प्रकार से हो रहा जैसे लाठी डंडा का चोट हो या फिर गिरे पड़े का चोट हो तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये दिया जाता है दर्द की समस्या में या फिर किसी के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है ये दर्द दो तीन साल से लगातार बना रहता है उस समय डॉक्टर के द्वारा जो घुटने में दर्द की समस्या है उसके ठीक करने के लिए यह सिरप दिया जाता है और इस सिरप का उपयोग जोड़ों के दर्द में उपयोग किया जाता है जैसे कि हाथ पैर में या कहीं पर गांठ में किसी प्रकार का दर्द हो या फिर गिरे पैर का चोट हो या फिर लाठी डंडा का चोट हो या फिर पुराने से पुराना दर्द हो तो वो ठीक हो जाता है इस सिरप से और इस सिरप का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसका डोज़ क्या होता है ये सिरप पीना कैसे होता है ये सिरप कितने साल तक और कितने उम्र तक ये सिरप पी सकते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे डॉक्टर इस सिरप का उपयोग और किस किस बीमारी किस किस रोग में उपयोग करने के लिए देते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में बताएंगे चलिए जान लेते हैं इस सिरप का उपयोग पर किया जाता है किस किस रोग की रूमेटाइटिस अर्थराइटिस की कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पीने के लिए दिया जाता है और ऑस्ट्रियो अर्थराइटिस की कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा ये, ये सिरप प्रेस्क्राइब किया जाता है और इस सिरप का उपयोग गाउट जैसी बीमारिया में उपयोग किया जाता है जिससे उनके बॉडी में हमेशा दर्द बना रहता है जैसे अगर किसी को साइटका की प्रॉब्लम होती है तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है इस समस्या में भी के दर्द में यह सिरप डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है और रोमेटाइटिस अर्थराइटिस की कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है ये सिरप काफी अच्छा काम करता है और इस सिरप का उपयोग ज्वाइंट पेन की समस्या में उपयोग किया जाता है जैसे कि इस सिरप का उपयोग कमर के दर्द में किया जाता है कमर का दर्द किसी भी प्रकार से हो रहा जैसे लाठी डंडा का चोट हो या फिर गिरे पड़े का चोट हो तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये दिया जाता है दर्द की समस्या में या फिर किसी के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है ये दर्द दो तीन साल से लगातार बना रहता है उस समय डॉक्टर के द्वारा जो घुटने में दर्द की समस्या है उसके ठीक करने के लिए यह सीरप दिया जाता है और इस सीरप का उपयोग जोड़ों के दर्द में उपयोग किया जाता है जैसे कि हाथ पैर में या कहीं पर गांठ में किसी प्रकार का दर्द हो या फिर गिरे पैरे का चोट हो या फिर लाठी डंडा का चोट हो या फिर पुराने से पुराना दर्द हो तो वो ठीक हो जाता है इस सिरप से जैसे कि ये सिरप पीना कैसे है चलिए जान लेते हैं जैसे कि यह सिरप बड़ों में दस ऐम एल सुबह दस ऐम एल शाम दस एम एल दोपहर को डॉक्टर के द्वारा ये पीने के लिए बताया जाता है जैसे कि आधा कप गुनगुने पानी में आप दस ऐम एल डाल करके सिरप दिन में तीन बार पी सकते हैं चलिए अब इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं जैसे कि अगर ये सिरप आप ओवर डोज की मात्रा में लेंगे तो आपको डायरिया की समस्या हो सकती है और आपका पेट ख़राब हो सकता है और आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है यही सब कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं अगर ये सब आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो ये सीरप को बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करें कोई भी दवा कोई भी इंजेक्शन कोई भी सीरप आप अपनी मर्ज़ी से उपयोग ना करें अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करके दवा लें कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें